नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ तिल और चीनी से बनाए जाने वाले रेवड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मकर संक्रांति स्पेशल डिश है और मैं इसे आपको बहुत आसानी से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो रेवड़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल 1 कप और चीनी 1.25 कप लिए हैं, या 1 कप भी ले सकते हैं ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो, और 1 से 1.5 चम्मच लेंगे घी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले एक पैन रख लेते हैं गैस पर और गैस ऑन कर लेते हैं और पैन को गरम होने देते हैं पहले। तो पैन गरम हो चुका है, अब इसमें डाल लेते हैं तिल और तिल को इस तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक ये तिल गोल गोल ना हो जाए और हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब तिल भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है और फूल भी चुका है देखिए। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, अब इसे साइड में रख लेते हैं और सेम पैन में चाशनी बना लेते हैं। तो घी पहले डाल लेते हैं इसमें, अब घी को मेल्ट होने देते हैं थोड़ा। अब इसमें डालते हैं 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे इसमें और चीनी भी डाल लेते हैं। अब इसे चलाते हुए मेल्ट होने देते हैं पहले, और चीनी अच्छी तरह मेल्ट होने के बाद 1 मिनट चाशनी को और पका लेंगे और फिर चेक करेंगे चाशनी को। तो देखिए मैंने 1 मिनट पका लिए हैं चाशनी को, अब इसे चेक करते हैं। तो अभी चाशनी तैयार नहीं हुई है, फिर से 1 मिनट पका लेते हैं। तो अब देखिए इस तरह से होनी चाहिए। चाशनी में बहुत सारे तार एक ही बार आए और सफ़ेद कलर का दिखे तो समझिए कि चाशनी तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें डाल लेते हैं तिल और मिला लेते हैं इस तरह से, थोड़ी देर मिलाकर चला लेते हैं और गैस को सिम करके रखेंगे। और इस तरह से घी लगे हुए प्लेट पर अथवा बोर्ड पर इसे इस तरह से चम्मच से इस तरह से डाल लेंगे। देखिए कितना आसानी से ये बन रही है ये रेवड़ी। इसी तरह से सारे रेवड़ी बना लेंगे। हाथ जल्दी जल्दी से चलाएंगे। यदि हम बहुत मात्रा में बना रहे हैं तो घर में 1-2 आदमी से हेल्प भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से सारे बना लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे बना लिए हैं, देखिए दोनों प्लेट में रख लिए हैं बनाकर। अब इसे ठंडा होने देते हैं, फिर निकाल लेंगे। अब ये ठंडा हो चुके हैं, अब इस तरह से इसे निकाल लेते हैं। देखिए बहुत आसानी से निकल रही है ये रेवड़ी। पहले निकाल लेते हैं इनमें से सभी। तो देखिए मैंने सभी रेवड़ियों को निकाल लिए, बहुत ही अच्छी रेवड़ी बनी है, बहुत ही खस्ता है और करारी भी है। तो चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ, सुनिए बहुत ही करारी और खस्ता है ये। और हम इन्हें बहुत ही आसानी से बनाए हैं। अब इन्हें हम कोई एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लेंगे और 2-3 महीने तक खा सकते हैं हम। तो आप इस तरह से रेवड़ी ज़रूर बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।